Hello guys, today I'm unboxing this item which I purchased from Amazon. ये एक acoustic foam है, अब इसको खोल कर देखते हैं. फाइनली जो एक एकोस्टिक फोम लिया था, मैंने एक डोटो यहाँ टांग दिया, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक टांग दिया. अब मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को. बेसिकली ये एकोस्टिक फोम का काम जो ये होता है कि जो बेड फ्रिक्वेंसीज हो ना, यूजली हम लोग जो म्यूजिशियन लोग ज़्यादातर ज़्यादा समझता है, यूजली हम लोग जो काम करता है साउंड का जो फ्रिक्वेंसीज बेसिकली रहता है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़. तो इस बीच में बहुत सारा अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज जो होता है उसको काटना पड़ता है. तो वो काटने के बाद साउंड को अच्छा किया जाता है. ये तो पुराना है जो पहले ले चुका था, आज जो लिया है उसे मैंने यहाँ चिपका दिया. भाई देखिए यहाँ है, यहाँ 18 पीस मिला था, इस तरह से चिपका दिया ताकि एटलीस्ट ये साउंड प्रूफिंग का भी काम करता है, साथ ही साथ ये जो बेड फ्रिक्वेंसी से ऑलमोस्ट कट कर देता है. माय होम स्टूडियो गैजेट, देखिए इसे स्टूडियो मॉनिटर कहते हैं, जिससे मैं सुनकर काम करता हूँ. दोनों साइड होता है, लेफ्ट राइट, ये टू, और ये है का, इसे ऑडियो इंटरफेस कहते हैं, यूजली इसको साउंड कार्ड भी कहते हैं. और ये रहा कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, और ये मेरा दोस्त लोग है, वालों जाते वक्त, कीबिथू जाते वक्त हम लोगों ने फोटो खींचा था, ग्रुप फोटो. देखिए सबसे हैंडसम तो शायद ये बैठा वाला ही ज़रा हैंडसम दिख रहा है, जोक से पार्ट. एनीवे सबको अच्छे लग रहा है. और ये रहा मिडी कीबोर्ड, इसे मिडी कीबोर्ड कहते हैं, ये सैमसंग कार्बन सैमसंग का है. और ये एक एडिशनल माइक है, जिससे कभी कभी अगर इंस्ट्रूमेंट गिटार वगैरह साउंड रिकॉर्ड करना होता है तो यहाँ से मैं करता हूँ. कभी कभी क्या करता है कि टाइम पास फूर्ति के लिए, अपना खुद का जैम सेशन के लिए मैं इस माइक का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि कंडेंसर माइक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यूजली बहुत सारा फ्रिक्वेंसीज वो पकड़ लेते हैं, तो वो कारण से मैं उसे यूज नहीं कर पाता हूँ. बस ये डायनेमिक माइक है, माइक बेसिकली बहुत सारा प्रकार के होता है, लेकिन हमको डायनेमिक और कंडेंसर माइक के बारे में पता है, तो इसी को मैं यूज़ करके टाइम पास कर लेता हूँ. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.